वन बिग चेंज दैट हैपेंड इन माय लाइफ इन द लास्ट 2-3 इयर्स इज कि मैं पहले बाल नाई से कटवाता था, अब मैं हेयर ड्रेसर से कटवाता हूं. अरे बहुत बड़ा फर्क है. मतलब मेरी वाइफ हमेशा से हेयर ड्रेसर से कटवाती है. नाई और हेयर ड्रेसर में बहुत फर्क है, पता है, काफी फर्क. लाइक नाई बाल काटता है, हेयर ड्रेसर जेब काटता है. इट्स अ बिग डिफरेंस. और मेरी वाइफ हमेशा से जाती थी एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी, यार एम्बैरेसिंग लगता है, तुम मुंह उठा के सामने नाई से बाल कटवाने चले जाते, जाया करो जाया करो. सो लास्ट ईयर फाइनली आई गेव अप. आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा हेयर ड्रेसर के पास. शी लाइक कब? मैंने कहा कल. कहती कितने बजे? मैंने कहा जब फ्री होऊंगा चला जाऊंगा यार. कहती नहीं नहीं पागल, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. मैंने कहा यार मैंने बाल कटवाने, किडनी थोड़ा ना निकलवानी है. कहती तुम टाइम बताओ. मैंने कहा अच्छा 1 बजे चला जाऊंगा. कहती किससे कटवाओगे? मैं जो भैया फ्री होगा उससे कटवा लूंगा. कहती एक तो ना वहां जाके भैया मत बोलना. और जब मैं पूछ रही हूं किससे, तो वहां 3 तरीके के लोग होते हैं. मैं कहा कौन से? कहती हेयर ड्रेसर, सीनियर हेयर ड्रेसर, मास्टर. मैंने कहा क्या फर्क है? कहती 400, 800, 1200. मैं कटने तो बाल ही हैं यार, इसमें क्या फर्क क्या है? मैं कहती एक्सपीरियंस का फर्क होता. मैं कहा एक्सपीरियंस का क्या फर्क हुआ, आउटपुट तो सेम है. कहती एक बात बताओ, ये रेड लेबल, ब्लैक लेबल, गोल्ड लेबल, क्या फर्क होता? करते तो तुम उल्टियां ही हो बाद में. यार बात तो सही है. मैं कर सबसे सस्ता 400 वाला. ठीक है. अगले दिन मैं गया 1 बजे दोपहर को हेयर ड्रेसर के यहां पहुंचा. और फर्क होता है, बहुत फर्क होता है. एकदम एसी वेसी चल रहा होता है, फ्लैट स्क्रीन टीवी लगा होता है, उस पर टीवी पे सूर्यवंशम नहीं आ रही होती. प्रॉपर वो बोतलों में पानी देते हैं. जब पानी वानी दिया, पानी दे के गया, फिर दूसरा बंदा आया, कहता सर आपका हेयर कट है? मैं कहा हाँ, एप्लीकेशन तो वही दी थी मैंने. फिर उसने मेरे बालों को हाथ लगाया ऐसे ऐसे करके. मैं कहा क्या कर रहा है? कहता टेक्सचर चेक कर रहा हूं. मैं कहा मैंने सिर्फ बाल कटवाने, स्वेटर नहीं बनवाना उसका. कहता सर हेयर वॉश लगेगा. मैं लगा 200 रुपए, वो भी चिपका. क्या उसने मेरे को बिठाया, वो लेदर की चेयर होती, फीलिंग होती, मजा आता है. प्रॉपर लेदर की रिक्लाइनिंग चेयर पे बिठाते हैं, पीछे वो वॉश बेसिन होता है, उसमें तुम्हारा सिर डालता है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे सर में हाथ फेरते हैं. हमारी एज ऐसी कि आदमी भी साथ हाथ फेरता है, मजा आता है. तो उसने हाथ फेरा, फिर उसने पानी मारा. कहता सर इज द टेम्परेचर ओके? मुझे सिर फर्क नहीं पड़ता, बट अब इतने पैसे दिए तो आदमी कहता फील तो लो. मैं कहा मेक इट अ लिटिल वार्म. उसे थोड़ा गर्म किया. कहता इज दिस बेटर? मैं कहा अ कपल ऑफ डिग्रीज मोर. तीसरी बार में टेम्परेचर ठीक हुआ. उसने बाल धोने शुरू करे, उसने बाल धोए, फिर उसने मेरे को बिठाया, तो बाल काटेंगे बिल्कुल. अब मैं नॉर्मली जब नाई से बाल कटवाता हूँ ना, तो मैं बता देता हूँ कि यहां से मशीन मार, बीच में छोड़ दे. तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मशीन मार छोड़ दे. कहता नहीं सर, आप स्पाइक्स करवाओ. मैं बात सुन, स्पाइक्स तो रहने दे जूतों पे, तू बाल काट. कहता नहीं सर, जैसे आप बता रहे हो ना, तो वहां से पीछे से खड़े हो जाएंगे. मैं कहा जहां से खड़े हो रहे वहां पे कैंची मार दे. कहता नहीं सर ऐसे नहीं होता, ऐसे करेंगे तो फिर जॉ का स्ट्रक्चर ठीक नहीं आएगा. अब मैं बहस कर रहा हूं, बहस के बीच में मैंने रियलाइज करा, मैंने कहा यार ये मेरी वाइफ का हेयर ड्रेसर है, करना तो इसने फाइनली वही है जो इसके दिमाग में चल रहा है. तो फाइनली आई गिव अप. मैं कहा यार काट जैसे काट. अब जब नाई से बाल कटवाओ ना, तो नाई ऐसी बातें करता है जिससे आदमी को लगता है कि बाल कटवा के निकलूंगा, लगूंगा सलमान खान. बट ये जैसे बाल काटना शुरू करते हैं, इतने नुक्स निकालते हैं, इतने नुक्स निकालते हैं, आदमी को लगता है कमाल आर खान भी लगूं, वो भी बहुत है.
वो बाल काटना शुरू कर, उसने नुक्स निकालने शुरू कर, आपके ब्लैक हेड बड़े हो रखे हैं, डार्क सर्कल देखिए बिल्कुल लिप्स तक आ रहे हैं आपके, फेशियल क्यों नहीं करवाते आप? मुझे पता है वो सामान बेच रहा है, वो कह रहा है फेशियल करवा लो, मैं कहा मैं मलाई लगा लूंगा तू रहने दे, बट वो जब भी जाओ फेशियल करा लो फेशियल करा लो। फाइनली वन डे आई गेव अप, मैं यार तू कर दे यार फेशियल, कहता कौन सा वाला, मैं कौन से होते, कहता सिल्वर गोल्ड डायमंड, मैं क्या फर्क है, कहता 1000 1500 2000, मैं कहा आज गोल्ड लेवल का मन कर रहा है यार तू कर 2000 रुपए वाला। उसने लगाया फेशियल, पहली बार फेशियल करा, फेशियल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, मैं बैठा उससे पहले फेस वेस साफ किया, फिर स्टीम से फेस साफ किया, फिर वो तुम्हारे मुंह पे फेशियल लगाते हैं, आंखों पे कॉटन वॉटन रख देते हैं, वो खीरा रख देते हैं, एंड पौने घंटे बाद वो फेशियल वेशियल हटाएंगे तुम्हारे मुंह से, वो हटाएंगे, देन दे विल रिमूव द टॉप कॉटन एंड दे विल बी लाइक सर अब देखो। उसने मेरे फेस से आंखों से कॉटन हटाई, कहता सर अब देखो। अब चक्कर क्या है, अगर तुम्हारी आंखें पौना घंटा बंद रही हैं उसके बाद तो 0 वॉट का बल्ब भी आदमी को ट्यूबलाइट लगता है। उसने कॉटन हटाई, कहता सर अब देखो। मैंने देखा, मैंने कहा यार तो मजा आ गया, ये तो हम बन गए नील नितिन मुकेश के कजन। मैंने उसको 500 रुपए टिप दी, उनका आज घर जाके अपनी वाइफ को दिखा दूंगा कि ये 17 साल पहले तूने गलती नहीं करी थी। मैं घर गया, मैंने बेल बजाई, मेरी वाइफ ने दरवाजा खोला, अंदर चली गई। मैं ये क्या, ये तो सफेदी की चमकार 4 गली दूर से दिखनी चाहिए थी। देन आई थॉट कि बिजी होगी, काम कर रही है, कुछ दिमाग में चल रहा होगा, नोटिस नहीं किया। मैं बात करता हूँ नोटिस करेगी। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, मैं कहा यार बच्चे नहीं दिख रहे, कहते नीचे खेलने गए। मैं खाना, वो कहते मेड ने बना दिया, आधे घंटे में खाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, वो जवाब दे रही है, पूछ रहा हूँ जवाब दे रही है। इट केम टू अ पॉइंट आई वॉज आस्किंग हर, मैंने कहा यार तेरी मम्मी नहीं आए बड़े दोनों से, तो मेरी डेस्परेशन देख रहे हो, मैं तेरी मम्मी नहीं आई बड़े दिनों से। अब वो भी खप गई, कहती तुमको हुआ क्या है, मेरे से बातें क्यों कर रहे हो। देखो ये 17 साल की शादी में हो जाता, एक जना रोमांटिक हो जाए ना दूसरे को शक हो जाता, तुम मेरे से बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं चल रहा। बट अब तक मैं भी तंग आ चुका था। मैं अब बात सुन, मैंने 2.5 घंटे लगाए, 2500 रुपए खर्च किए तेरे लिए, मैं ये भी बोल दिया मैं तेरे लिए, तूने एक बार नोटिस नहीं किया। देन शी टर्न्ड अराउंड लुक्ड एट मी एंड सेड बास्टर्ड अब पता चला।